बांधवगढ़ के किले में स्थित मंदिर में हर वर्ष मेला लगता था और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं, आज के दिन किले में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन इस साल उमरिया जिला प्रशासन और पार्क प्रबंधन भक्त और भगवान के बीच दीवार खड़ी कर रहा है, जो सनातन धर्म मानने वालों की आस्था के खिलाफ है। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म के अनुयायी अपने धर्म और आराध्य के लिए जान तक दे चुके हैं। ऐसे में पार्क प्रबंधन हाथियों के झुंड का डर दिखाकर भक्त को भगवान के दर्शन से दूर कर रहा है, जो बेहद निंदनीय है। बिंद के लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी है और इंतजार भी रहता है। ऐसे में इस वर्ष मेले पर लगी पाबंदी कतई उचित नहीं है। रीवा के युवराज दिव्यराज सिंह और उनके पिता पुष्पराज सिंह का विरोध जायज है। हमारी मांग है कि एक दिन खुलने वाले राम जानकी मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से मना कर देना सनातन धर्म के खिलाफ और निंदनीय है, क्योंकि पिछले चार साल से हाथियों का यह मूवमेंट है। उसके बावजूद पर्यटन बंद नहीं हुआ तो फिर मंदिर दर्शन पर रोक क्यों? इस मामले में कलेक्टर तत्काल संज्ञान में लें और पार्क को खोलने के लिए आदेशित करें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, बड़ा सीधा सा विषय है, मैं इसको पहली बात तो क्लियर कर दूं, कोई राजनीतिक चश्मे की जरूरत नहीं है। ये विषय भक्त और भगवान के बीच का है। आज जहाँ पर साक्षात रामलला विराजमान है, पार्क की स्थापना तो बहुत बाद में हुई, रामलला तो वहाँ सैकड़ों सालों से हैं, और वहाँ पर जब एक दिन सिर्फ जाने का विषय था, उस पे भी प्रशासन रोक लगा रहा है, ये घोर निंदनीय है। और विषय ये है कि जब हमारे इष्ट हैं श्री राम हैं, हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा विषय कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सीधे तौर पे आरोप किस पे लगाना चाहते हैं? ऐसी स्थितियां क्यों नहीं होती? सरकार आती है और प्रशासन भी, हम कहते हैं कि सरकार का ही होता है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ निर्मित क्यों हुई? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरी तरह से जिस प्रकार से वहाँ का पार्क का प्रबंधन है और वहाँ पर वन विभाग के लोग हैं, वो पूरी तरह से परेशानी उन्होंने मचा के रखी है। आप ये बताइए कि अगर वहाँ पर इतना बड़ा टूरिस्ट सर्किट है, आपकी जिप्सी जाती हैं, सब जगह जाती हैं, जंगलों में घुमाती हैं, तो अगर वो जिप्सी वहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए क्या नहीं ले जा सकती? इतना बड़ा किला जहाँ पे कि हम इतना बड़ा टूरिस्ट हब बना सकते हैं, जहाँ पर कि इतना बड़ा टूरिज्म का केंद्र स्टेब्लिश हो सकता है, उसको क्यों नजर आता है? भाई, जब तक प्रशासनिक अधिकारी इन सब चीजों को सरकार को अवगत नहीं कराएंगे, जब तक सरकार क्या करेगी? और ये तो इतना बड़ा फेलियर है कि कल से हमारा वहां पर चुना हुआ विधायक, पार्टी के जो अन्य नेता हैं और नेत्री हैं, वहां पर पूरी तरह से अनशन कर रहे हैं, और ये वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो निंदनीय। जिस तरह से दिव्यराज जी के साथ और प्रज्ञा त्रिपाठी जी के साथ घटनाक्रम हुआ, उससे क्या आप रखते हैं सही है गलत? देखिए, मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ। दिव्यराज जी और प्रज्ञा त्रिपाठी के साथ जिस तरीके से बिहेव वहाँ पे प्रशासन ने किया है, मैं तो सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्या उन्हें नहीं मालूम कि भारतवर्ष हिंदू आस्था का देश है, भगवान राम आराध्य है? ऐसा क्या लगता है कि मनुष्य में क्यों ऐसा किया होगा जब हर वर्ष ऐसी स्थितियां होती हैं? देखिए, होता क्या है कि जो हमारे